विभाग की टीम ने ये भेड़िया पकड़ा। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस भेड़िए को पकड़ने के लिए। 6 कुल मिलाकर भेड़िए बताए गए थे, 4 पकड़े गए थे। पिंजरों में जाल के जरिए ये भेड़िए पकड़े गए, फिर बचे 2 जिन्हें तलाशा जा रहा था। 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल के बाद इस भेड़िए को पकड़ा है और अब 6ठा लंगड़ा सबसे खूंखार आदमखोर भेड़िया अभी बाकी है पकड़ना। उस तक भी पहुंचने की कोशिश लगातार वन विभाग की टीम कर रही है। 6ठा भेड़िया जो कि सबसे ज्यादा खूंखार है, लंगड़ा भेड़िया वो बताया जा रहा है, आदमखोर भेड़िया जिस तक पहुंचने की कोशिश वन विभाग की है। अधिकारी ये बता रहे हैं कि ड्रोन की आवाज़ सुनकर, चूंकि भेड़िए बहुत चालाक हो गए थे वक्त के साथ में और ड्रोन की आवाज़ सुनकर भेड़िए हरकत में आ जाते थे, अपना रुख बदल लेते थे। और अब जो पकड़ा गया है 5वां ये भेड़िया, वो इसलिए क्योंकि कदमों को ट्रैक किया गया, कदमों के जो निशान थे उसे ट्रैक किया गया, तब जाकर ये भेड़िया पकड़ा गया है। ग्राउंड जीरो से संजय मिश्रा की ये रिपोर्ट आप देखिए। पहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, पहराइच में पकड़ा गया एक और आदमखोर भेड़िया, शिकंजे में आया 5वां भेड़िया, अभी भी 6ठे भेड़िए की तलाश जारी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच वन विभाग ने 5वें भेड़िए को पकड़ लिया है। जी हां, बहराइच में वन विभाग की टीम को आदमखोर भेड़िया पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। आज जो भेड़िया पकड़ा गया है वो बहराइच के हरबख्श सिंह पूर्वा गांव के जंगल से सुबह तड़के वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। जिन 2 भेड़ियों की तलाश थी उनमें से ये एक था। बहराइच में आतंक मचाने वाला 5वां नरभक्षी भेड़िया को पकड़ लिया गया है। वन विभाग के अथक प्रयास के बाद भेड़ियों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया गया है। भेड़ियों के पकड़े जाने की खबर फैलने से बहराइच के लोगों ने राहत की सांस ली है। भेड़िये के हमले में अब तक 10 लोगों की जाने जा चुकी हैं। पूरा ऑपरेशन तो कल से ही चल रहा है, लेकिन जो पकड़ने वाला ऑपरेशन था वो लगभग 5:30 बजे 6 बजे के बीच में शुरू किया और 6:15 6:30 बजे के बीच में कंप्लीट हो गया। जो पकड़ने वाला ऑपरेशन, एक तो इसके पहले तमाम हम तैयारियां करते हैं, तमाम पहले उसको ढूंढते हैं, उसको बहुत चीज़ें होती है, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, आदमी व्यवस्था करते हैं। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें ड्रोन की मदद पकड़ने में नहीं ली गई। हाँ, उसकी मदद ली गई, उसको दूर थोड़ा सा हट के चलवाया जा रहा था कि अगर भागता है तो कम से कम उसकी अगली लोकेशन हमको मिल सके। वहाँ पर हमने, क्योंकि ड्रोन देख करके वो भागता था, इसलिए की बार ड्रोन हमने चलवाई। बहराइच में पिछले कई दिनों से आतंक मचाने वाला नरभक्षी भेड़िया लगातार वन विभाग की टीम को चकमा देकर लापता हो रहा था। इसको तलाशने के लिए तकरीबन 165 कर्मचारी लगाए गए थे। 18 शूटर इस भेड़िए की तलाश कर रहे थे। इससे पहले वन विभाग की टीम ने 4 भेड़िए पकड़े थे, जिसके बाद बाकी बचे 2 भेड़ियों का आतंक जिले पर खौफ बनकर मंडरा रहा था। बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और एक भेड़िया अभी भी खुला घूम रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बीते कुछ दिनों से बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल लगवाए, पिंजरे लगाए और भी तमाम कोशिशें की, लेकिन अभी भी एक भेड़िया वन विभाग की पहुंच से बाहर है। बहराइच के 35 गांव में अब भी दहशत कायम है। पुलिस और वन विभाग की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने की कोशिश में भी लगी है, ताकि भेड़ियों के पंजे की पहचान से उन तक पहुँच आसान हो सके, 6ठे भेड़ियों को भी जल्द पकड़ा जा सके। 7 जिलों से आई वन विभाग की टीम चप्पे चप्पे की तलाश कर रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। थर्मल ड्रोन के जरिए कोशिशें चल रही है। दरअसल बहराइच के जिस इलाके में भेड़ियों का आतंक है, वो इलाका ऐसा है कि भेड़ियों के लिए हमला कर खेतों में छिपना आसान है। ऐसे में भेड़ियों को पकड़ना बेहद मुश्किल बना हुआ है। गाँव वाले डरे हुए है। वन विभाग के अधिकारी गांव वालों को भेड़िए के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए हर कोशिश में लगे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द गांव वालों को भेड़ियों के हमले से बचाया जाए, जल्द से जल्द भेड़ियों का आतंक खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब पांचवा भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस नरभक्षी भेड़िये को पिंजरे में कैद किया है। अब इसे वन विभाग चिड़ियाघर भेज देगा और छठे भेड़िये की तलाश जारी है। एक और रिपोर्ट देखिए। वन विभाग के अथक प्रयास के बाद पांचवा नरभक्षी भेड़िया आज पिंजरे में कैद हो गया है। दो भेड़िये लगातार कई दिनों से इस पूरे क्षेत्र में आतंक मचाए हुए थे। मेरे साथ देखिए गांव वाले हैं, कहीं कहीं इनके चेहरे पे एक मुस्कान भी अब देखने को मिलेगी, एक राहत भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये लोग डरे हुए थे। हम इनसे बात भी करेंगे कि अब ये जो पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया पांचवा भेड़िया पकड़ लिया गया है, क्या कहियो? बहुत बढ़िया राहत मिली है, अब पांचवा भेड़िया पकड़ लिया गया है, अब सुरक्षा हो रही है बढ़िया। मतलब अब चेहरे पे खुशी आ रही है? जी जी, चेहरे पे खुशी भी आ रही है। डर खत्म हुआ है? डर खत्म हो गया है। भैया आप बताओ, चेहरे से कुछ डर खत्म हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया डर खत्म हुआ। अच्छा, एकदम अब बच्चे लोग स्कूल आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बचा हुआ है, उसको भी लग रहे हैं सब। अच्छा, आपको लगता है कि एक बचा हुआ है? हाँ, एक बचा हुआ। हाँ, वो में लगे हैं सब कर्मचारी लोग। बाबा मजा आवत हो, ये भेड़िया पकड़ गया? हाँ, कही हो? अरे भेड़िया पकड़ गया, अब बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, आराम से सुरक्षा रहेगी घर की, आराम से सोएंगे सब लोग। क्या बात है, देखिए चेहरे पे इनकी खुशी आप देख लीजिए। भैया जो पांचवा भेड़िया रहा पकड़ हुआ है, आप तो कुछ दहशत कम हो गया? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। आप अच्छा। बहुत खुशी है, हम लोग का बहुत आराम है, और आप पहले से तो बहुत बड़ी सुकून है। अब भैया आपका कही हो? अरे बहुत बढ़िया हुआ है, भेड़िया पकड़ गयी, सुविधा मिल गए, अच्छा होगा, सुकून से सोओगे भाई, और बहुत जो खुश है, बहुत तबीयत बहाल है। भैया ये बताओ कि इंडिया न्यूज लगातार भेड़िये का लेकर खबर दिखावत रहा, खबर आप देख भी रहे थे, तो कुछ कहेंगे इंडिया न्यूज को? धन्यवाद देंगे कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे? हाँ, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे? हाँ, धन्यवाद देंगे। क्या कहेंगे भैया? बहुत मेहनत की इनका, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इनके सब जने सुरक्षित हैं। देखिए ये गांव के लोग हैं, कितना प्रसन्न है, क्योंकि पांचवा भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया है। कहीं ना कहीं दहशत का जो पर्याय बन रहा था वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। छठे भेड़िये की होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी भी ये कह पाना मुश्किल है कि छठा भेड़िया है या नहीं है। लेकिन फिलहाल पांच भेड़िये पिंजरे में कैद हो गए हैं, दहशत अब धीरे धीरे समाप्त होगा, बच्चे अब स्कूल भी जाएंगे, ये लोग रात में जागने की जगह अब थोड़ी देर सोएंगे और अपना काम करेंगे, यानी पूरी तरीके से अब जनजीवन जो है धीरे धीरे सामान्य होगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। सीएफओ अजीत प्रताप सिंह लगातार आज 13वें दिन फिर पांचवें भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपने इस पूरे इलाके वालों को एक राहत भरी खबर दी है। हाँ, हम लोगों के लिए, इलाके वालों के लिए, और जो भी लोग इससे प्रभावित थे और जो भी लोग इन घटनाओं से वाकिफ थे, चाहे कहीं भी रह रहे हों, सबको कुछ न कुछ राहत मिली होगी। क्या लगता है कि अब छठा भेड़िया कब पिंजरे में कैद हो जाएगा? देखिए उसकी लोकेशन ही आसपास है, जल्दी पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। हम आज ही उसको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे। आप कहीं ना कहीं देखिए ये विश्वास है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि उसे हम आज ही पकड़ने में हम कामयाब हो जाएंगे। हालांकि पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है, दहशत काफी कम हुआ है, राहत भरी खबर है। अब छठे भेड़िए का इंतजार है कि वो कब पकड़ा जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। आधी रात बीत चुकी है, लेकिन अभी भी नरभक्षी भेड़िये की तलाश में पूरी टीम लगातार जाग रही है। मेरे पीछे देखिए शार्प शूटर भी हैं, वन विभाग के टीम भी है, और ये लोग घाघरा नदी का कछार, दाहिने तरफ भी आप मेरे तरफ देखेंगे पानी है, और बाएं तरफ भी आपको पानी दिखाई पड़ेगा, यानी कि चारों तरफ यहाँ पानी ही है, ग्रास लैंड है। यही वजह है कि वन विभाग की टीम और जो बाहर से शार्प शूटर बुलाए गए हैं, वो सभी उस भेड़िये को तलाशने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ रेंजर साहब हैं। रेंजर साहब, काफी रात बीत चुकी है, आप लोग सड़कों पे चल रहे हैं, भेड़िये को तलाश रहे हैं, क्या अपडेट है? अब आज हमको लग रहा है 6 दिन हो गए, 6 दिन पहले हमला हुआ था। 6 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ की स्थानीय जनता, प्रधान जी और माननीय विधायक जी और उनके जितने भी साथीगण हैं, उनका सहयोग इतना अच्छा रहा कि हम लोग केवल हमले पे ही नहीं, कोई भी छोटा मोटा हमला भी हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। और हम लोगों का रात में गश्त करने का मेन मोटिव यही होता है कि कोई हमला ना हो। अभी इस समय आप लोग घाघरा के कछार के किनारे घूम रहे हैं, क्या लगता है कि लोकेशन उसकी ट्रेस नहीं हो पा रही है? अभी दिन की टीम इसमें लगी रहती है, हम लोगों रात की ड्यूटी लगी हुई है, तो दिन में जो अपडेट मिलते हैं उसमें अभी वो लोकेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी,
तो लोकेट नहीं हो पा रहा था। सर, ग्रामीण ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ये नरभक्षी कब पकड़ा जाएगा या कब मारा जाएगा, क्या लगता है कि आप लोग कब तक पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि लगातार आप लोग बंदूक लेकर के कहीं पानी में, कहीं नदी में, कहीं ग्रासलैंड के भीतर, कहीं गन्ने के खेत में लगातार आप लोग टहल रहे हैं, आधी रात बीत चुकी है उसके बावजूद आप लोग चल रहे हैं, कब तक सफलता हाथ लगेगी? देखिए, वन विभाग पूरा अपनी पूरी जितनी ताकत है पूरा लगा के रखा हुआ है और प्रयास किया जा रहा है कि लोकेट हो। इधर 4-5 दिनों में कहीं लोकेट नहीं हो रहा है, और अगर लोकेट होता है तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसको जीवित पकड़ लिया जाए। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जितनी क्षमता है पूरी क्षमता के साथ हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोगों को कामयाबी मिले। हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, रात काफ़ी बीत चुकी है, टीम को लेकर के आप साथ में कछार में घूम रहे हैं, क्या नरभक्षी भेड़िया कितना आतंक उसका है कि आप लोग पूरी रात जाग रहे हैं? आतंक का अंदाज़ा तो इसी से लगाया जा रहा है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक को भी मजबूरन फील्ड में उतरना पड़ा, और जब वो चलते हैं तो हम लोग देख के हम लोगों का हौसला बढ़ता है, तो हम लोग अपनी पूरी एक टीम हमारी भी है कि हम लोग गांव में जाके लोगों को जागरूक करते हैं।